भारत जोड़ो यात्रा, राहुल अंधाधुन लगे हुए हैं। लेकिन राहुल की इस यात्रा का फायदा क्या हुआ या क्या फायदा है या क्या फायदा होगा? फायदे नुकसान की बात तो होती रहेगी, लेकिन जिस तेलंगाना में राहुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहां का रिस्पॉन्स कांग्रेस के लिए निराश करने वाला है। तेलंगाना में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुनुगोड़े में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को यहां पर कुल 23,864 वोट मिले। कांग्रेस जो तेलंगाना विधानसभा में कभी सबसे पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस का वहां पर गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, उन्होंने भी इस चुनाव के लिए खुद को प्रचार से ये कहते हुए दूर रखा कि वो यात्रा में बिजी हैं, और इतने बिजी हो गए कि हाथ से जगह ही निकल गई। यहां भी पार्टी के स्टार नेताओं ने खुद को दूर रखा था। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पलवई श्रावंती ने अकेले लड़ाई लड़ी। उनका साथ देने वाला उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं ने खुद को यात्रा में झोंक दिया था, वही बिजी थे वो। ये परिणाम तब हैं जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा समय में तेलंगाना में ही है। हार के बाद निराश कांग्रेस प्रत्याशी पलवई श्रावंती रेड्डी मतगणना केंद्र से बाहर चले गए थे। आपको बता दें, इसके पहले मुनुगोड़े कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रह चुका है, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। पलवई श्रावंती रेड्डी के पिता पलवई गोवर्धन रेड्डी ने इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव जीता। इसके पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी थे, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वहीं इसके पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को महज 8% वोट ही मिले थे। इस उपचुनाव में बीजेपी एक बड़ी ताकत बनके उभरी, लेकिन वो भी उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। यहाँ की रूलिंग पार्टी है टीआरएस, जिसकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर उभरी है बीजेपी। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में पूरी तरह से बिखर गई नजर आई, कि बिल्कुल डरी सहमी टूटी पार्टी और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। हालांकि इसी बीच 60वें दिन तेलंगाना में रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी भागीदारी की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो राहुल से किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते दिख रहे हैं। अगर इसे गंभीरता से समझा जाए तो उपचुनाव 2022 में 6 राज्यों की 7 सीटों पर नतीजे आ गए। हालांकि ये रिजल्ट कांग्रेस और पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए हैरान, परेशान और चिंता देने वाला है। उपचुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, 1 शिवसेना, 1 राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई। विजेताओं की सूची में कांग्रेस का नाम कहीं नहीं। पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने हरियाणा के आदमपुर, ओडिशा में धामपुर और तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट गंवा दी। खास बात, आदमपुर और मुनुगोड़े को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पार्टी विधायकों के दल बदल भाजपा में जाने से समीकरण बदले। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने एक साथ 2 गढ़ गंवा दिए। एक और जहां आदमपुर भाजपा के खाते में आई, वहीं मुनुगोड़े पर टीआरएस ने कब्जा जमाया। धामनगर सीट भाजपा विधायक विष्णु चरण सेठी के निधन के चलते खाली हुई थी। यहां बीजेपी के टिकट पर उनके बेटे सूर्यवंशी सूरज ने जीत का परचम लहराया। हाल ही में वायनाड सांसद राहुल गांधी तेलंगाना से भारत जोड़ो यात्रा के साथ निकले। इसके बाद भी राज्य की मुनुगोड़े सीट पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। कभी 37,000 वोट से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की इस बार यहां जमानत ही जब्त हो गई। पार्टी के टिकट पर उतरी उम्मीदवार पलवई गोवर्धन रेड्डी उतने वोट भी हासिल नहीं कर सकी, जितने उन्होंने साल 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंतल प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ हासिल किए थे। यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और उम्मीदवार बने कुमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और टीआरएस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर थी, जिसमें मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी ने बाजी मार ली। खास बात, इससे पहले हुजूराबाद सीट पर कांग्रेस के खाते में 4,000 से कम वोट आए थे। 3 साल पहले आदमपुर सीट पर कांग्रेस ने 29,000 से ज्यादा मतों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे जयप्रकाश दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के टिकट पर उतरे भव्य विश्नोई विजयी हुए। ओडिशा की धामनगर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को पायदान का नुकसान हुआ, पार्टी 4थे स्तर पर आ गई। साल 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे नेत्रनंद मलिक 29,833 मतों के साथ 3रे स्थान पर रहे। हालांकि ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की कहीं भी उम्मीद नहीं होगी कांग्रेस को, लेकिन ये राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सोचना होगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि क्या सिर्फ यात्राओं से ही चुनाव जीते जाते हैं।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।